यदि किसी संख्या के आधे में से यानी कि यक्स वट्टा टू आधा बोल रहा है तो यक्स वट्टा टू कीजिएगा, यानी किसी भी संख्या के आधा बोलेगा तो आप टू से भाग दीजिए तो वो संख्या का आधा हो जाएगा। एक बटा चार घटाया जाए यानी कि 1/4 इस संख्या में घटाने के बाद आपका आता है 1/8 आपका आता है, तो ये माइनस के साथ 1/4 आप उस तरफ ले चल जाइए, ये माइनस के साथ हम ले चल जाते हैं आपको यहाँ, तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा 1/4। ये 1/4 में हम 2/2 से गुना कर देते हैं, जिसे काटने के बाद तो ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, तो ये आप 2/2 से गुना कर सकते हैं, तो 1/8 प्लस ये हो जाएगा 2/8। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। जब नीचे हर सेम हो तो आप ऊपर वाला को सिंपली आप ऐड कर दीजिए, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, यक्स बाय 2 और 2 से 8 काटने पे ये आपका आएगा 4, यानी कि यक्स का मान आ जाता है 3/4। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमाप इसका दिया हुआ है 110 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? तो आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होगा आपका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में 110 मीटर, तो ये लिखा जाएगा 110 और 2 को जब इधर लाइएगा तो ये बटा में आ जाएगा 2, ऐसे काटने पे ये आपका आएगा 55, यानी कि एल प्लस बी हो जाएगा, एल प्लस बी बराबर हो जाएगा 55 और क्वेश्चन में दिया हुआ है एल माइनस यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो एल माइनस बी बराबर हो जाएगा 5। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, एल बराबर हो जाएगा आपका 30 और बी बराबर हो जाएगा आपका 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एल को आपको निकालना है तो 55 और 5 को आप ऐड करके 2 से भागा दीजिए, और बी निकालना है तो 55 में 5 घटा के यानी कि 40/2 से भागा दीजिएगा, सॉरी 55 में 5 घटा के यानी कि 50/2 में भागा दीजिएगा, तो ये 25 हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पे अब 1 kg चीनी का मूल्य 32 रुपया लगता है, यानी कि पहले आप 1 kg चीनी खरीदते थे तो प्रारंभ में मान लिया जाए कि हमें 100 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, तो ये परसेंटेज नीचे जाएगा, तो नीचे 100 लिखा जाएगा, इसे काटिएगा तो 100/4 हो जाएगा। तो ये किस में वृद्धि हुआ, तो पहले के मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी कि पहले का मूल प्रारंभिक का मूल हम क्या माने थे यक्ष, अब वृद्धि हो गया यानी कि वृद्धि का मतलब प्लस, कितना वृद्धि हुआ था यक्ष/4, यानी कि अब पैसा हमें कितना देना पड़ता है तो 32 रुपया देना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 32। इसे सबको हम मिटा के फिर से लिख रहे हैं, यक्ष प्लस यक्ष/4 इज इक्वल टू 32। अगर हम इसमें 4/4 अगर हम गुना कर दें तो ये लिखा जाएगा 4x/4, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 4x/4। हम बोले थे कि नीचे अगर सेम हो तो ऊपर वाला को ऐड कर देना है, तो 4x प्लस x को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x, और ये जो एलसीएम हम 4 लिए थे ये 4 जो आएगा आपका ये 32 की तरफ जाके आपका गुना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 32 × 4, आइए 5 इस तरफ लाने पे ये बटा में आ जाएगा आपका 5, और इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा 12, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा 128/5, और इसे सॉल्व करने पे भागा देने पे आंसर आ जाएगा 25.60 रुपया, यानी कि पहले यक्स क्या था तो प्रारंभिक हमारा मूल था, तो हमें 1 kg जब चीनी खरीदते थे तो हमें 25.60 रुपया पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन ये 25% वृद्धि होने के बाद अब हमें 32 रुपया लगता है, तो प्रारंभिक मूल हमारा यहाँ से मालूम चल गया है। इसे आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दाम कितना दिया हुआ है 32 रुपया, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, वृद्धि अगर बोलेगा
तो आपको 100 में, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकाला जाता है, तो 100 में आपको 25% ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 से आपको गुना कर देना है। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 25 से हो जाएगा 4, 25 चौक 100 और 25 125 होता है। इसे सॉल्व करने पे 128/5, जब इसे भाग दीजिएगा तो ये 25.60 इसका आंसर आ जाएगा। दो विभिन्न मूल्य यानी कि दो अलग अलग दाम वाली 35 कलम का कुल मूल्य है 60 रुपया। एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का दाम है 2 रुपया। तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है? टोटल कलम है 35, जिसमें से एक सस्ती कलम है और एक महंगी कलम है। मान लिया जाए कि 35 कलम में यक्स जो है सस्ती कलम है और बाकी जो बचेगा वो महंगी कलम है। जैसे मेरे पास 10 रुपया है, जिसमें से हम 6 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो अब क्या बचा? तो 10 में से 6 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 4, यानी कि अब मेरे पास जो शेष बच रहा है वो है 4। तो 35 में यक्स कलम तो पता चल गया कि सस्ती है, बाकी जो अब बचेगा वो आपका हो जाएगा महंगी कलम। तो ठीक इसी टाइप से आपको क्या करना है, 35 माइनस यक्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका महंगी कलम और ये हो जाएगा सस्ती कलम। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है एक सस्ती कलम, मतलब एक कलम का दाम है 1.5 रुपया सस्ती वाली की, तो इसमें आप 1.5 से गुना कर दीजिए। और आगे बोला है एक महंगी कलम, यानी कि एक महंगी कलम का दाम है 2 रुपया, तो आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70 - 2x और ये हो जाएगा 1.5x, या फिर आप यक्स इंटू 1.5 लिख सकते हैं। अब कर आगे क्वेश्चन में, कुल मूल यानी कि सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों का मूल है 60 रुपया, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम मिटा के लिख रहे हैं, ये है 70 - 2x यानी कि महंगी कलम प्लस सस्ती कलम 1.5x, दोनों का मूल है 60 रुपया। अब 2x में से 1.5x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.5x, यानी कि 2x मतलब 1.5 1.5 चल गया तो इसका 0.5 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 - 0.5x = 60। अब ये माइनस के साथ हम इसको उस तरफ ले आते हैं और 60 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो 60 है प्लस में तो 70 में आपका माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये माइनस में है तो उधर जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस। अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो 0.5 को इस तरफ लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो 10/0.5। ये पॉइंट को जब हटाइएगा तो ऊपर आपका 10 लिखा जाएगा, काटने के बाद ये हो जाएगा 2, यानी कि यक्स का मान आपका निकल के आ गया है 20, यक्स इज इक्वल टू आ गया 20। अब महंगी कलम कितनी खरीदी गई है, तो महंगी कलम क्या थी 35 - यक्स, अब यक्स का मान हम यहाँ पर निकाल के लाए हैं 20, तो 35 में से 20 जब घटेगा तो ये आएगा 15। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है, तो टोटल 15 महंगी कलम खरीदी गई है, अब बाकी जो भी बचा है वो आपकी सस्ती कलम है। 1000 और 2000 के बीच एक ऐसी संख्या हो जो 2, 3, 4, 5, 7, 8 से विभाजन करने पे शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचता हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन में बोला गया है कि 1000 और 2000 के बीच की संख्या है, यानी कि आप 1040 ले सकते हैं या फिर 1280, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1000 और 2000 के बीच की संख्या कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसे आप 2 से अगर भाग देंगे तो उसका शेषफल 1 आना है, अगर 3 से आप भाग देते हैं तो उसका शेषफल 2 आना है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ये सभी का आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने से इसका एलसीएम आता है 840 और ये अपने मन से के माइनस 1 करना, यानी कि आप सभी का अंतर दिखेगा तो ये 1 आता है, तो आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं। के का मान आप 1 लीजिए या फिर 2 लीजिए या फिर 3 लीजिए,
कुछ भी आप लीजिए, लेकिन वो 1000-2000 से के बीच में ही होना चाहिए। अगर आप 1 लेते हैं तो ये 840 आएगा, इस पर गुना कीजिएगा तो ये 1000 से कम आ जाता है, तो आप 1 नहीं ले सकते हैं। 2 आप लीजिएगा तो ये आप इसे जब गुना कीजिएगा तो ये 0816 यानी कि ये आ जाता है 1680, जो 1000 और 2000 के बीच की संख्या है ये आप ले सकते हैं। अगर आप 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 12 और ये हो जाएगा 25, यानी कि ये आपका 2000 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आप 3 आपको नहीं लेना है। तो 2 का के का मान आप 2 आप रखते हैं तो ये हो जाता है 1680 और -1, तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 1600 हो जाएगा 79। तो यानी कि ऐसी वो संख्या 1679 है जिसे आप 2 से विभाजन कीजिएगा तो शेषफल 1, 3 से विभाजन कीजिएगा तो शेषफल इसका 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर।